आगरा के चारों कोनों पर भगवान महादेव के चार प्राचीन मंदिर मौजूद हैं। सभी का अपना अपना इतिहास है। सभी मंदिरों में भक्तों की गहरी आस्था है। आगरा यमुना के तट पर बना बलकेश्वर महादेव को आगरा का महाकाल माना जाता है। संध्या के समय ऐतिहासिक से भक्तों की परिक्रमा शुरू होती है, जो कि चारों मंदिरों से होकर पूरे शहर में गुजरती है। बलकेश्वर महादेव मंदिर जिस जगह पर मौजूद है, कभी वहाँ पर पूर्व में बिल्व पत्र यानी कि बेल पत्रों का जंगल हुआ करता था। लगभग 700 वर्ष पहले जब यहाँ जंगल को काटा गया तो यहाँ शिवलिंग और मंदिर निकला। बिल्व पत्र के जंगलों में होने की वजह से मंदिर को बिल्वकेश्वर महादेव कहा जाने लगा। अपभ्रंश होते होते अब लोग इसे बलकेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जानते हैं। आज भी यह मंदिर यमुना नदी के समीप बना हुआ है। बलकेश्वर महादेव मंदिर जो है करीब सैकड़ों साल पुराना है, और मान्यता वाली बात तो यह है कि यहाँ 40 दिन कोई लग के अगर भोले बाबा के दर्शन कर ले तो उसकी मान्यता अवश्य पूरी होती है। ये मेरा सोचना है, मेरा मानना है। और बहुत पुराने टाइम में यहाँ पूरे चारों तरफ बेलपत्र हुआ करते थे, जिससे इसका नाम विश्लेश्वर बिल्केश्वर महादेव मंदिर रखा गया, लेकिन बोलने में बल्केश्वर आता है। और काफ़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं। दूसरे सोमवार को सावन के यहाँ परिक्रमा होती है चारों महादेव की आगरा के अंदर, जिसमें एक मंदिर ये भी चारों महादेव में कहलाता है। यहाँ से लोग अपनी परिक्रमा या कहीं से भी स्टार्ट करते हैं, चालू करते हैं, इस मंदिर में भी आके जल चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करवाते हैं। भैया मैं तो यहाँ रहती नहीं हूँ, मैं तो लखनऊ से आई हूँ। मंदिर के बारे में? मंदिर तो भैया बहुत प्राचीन है और भैया हमारा तो बहुत अटूट विश्वास है। मैं तो जब भी लखनऊ से आती हूँ तो मैं तो डेली ही आती हूँ, और आरती में तो यहाँ बहुत आनंद बरसता है, ऐसी आरती मैंने कहीं देखी है। सावन का समारोह विशेष? हाँ, विशेष आरती है सावन के, और यहाँ तो बाबा का पूरी सावन के महीने रोज श्रृंगार होता है, बहुत अद्भुत श्रृंगार होता है यहाँ का। तो जब भी आते हैं तो मैं तो जरूर, मैं बिना यहाँ पे आए तो मैं रह ही नहीं सकती हूँ, और प्रॉपर आरती के समय ही आती हूँ। आप देखिए एक बार खड़े होकर, आपको आनंद बरसेगा यहाँ पर। महाराज जी अपना नाम अशोक कुमार। महाराज जी अगर बात करें बलकेश्वर मंदिर की, तो मान्यता को लेकर के क्या है और कितने पुराने हैं वहाँ? क्या इतिहास है? ये साहब 500 साल पुराना इतिहास है, 500 साल हो गए इस इतिहास, आजकल का नहीं है, बहुत पुराना इतिहास। ये जो है बिल्वकेश्वर नाम से है, इसका जो सही नाम है वो बिल्वकेश्वर है। ये बलकेश्वर बलकेश्वर तो उसकी वजह से कहते हैं, बाकी नाम जो है इसका बिल्वकेश्वर है। और मान्यता इसकी ये भी है कि 40 दिन नित्य आप सेवा करें आकर डेली, तो 100% मनोकामना पूरी होती है। तीन तरह की चलती है, तीन तरह की, सुबह 6 बजे मंगल आरती होती है, उसके बाद में भगवान की आरती होती है, उसके बाद में शाम को फिर आरती होती है। शिवलिंग के बारे में ऐसा माना जाता है कि जंगलों में मिलाता है शिवलिंग। ये शिवलिंग पूरा बेल के यानी बेल के पौधे पेड़ यहाँ पर सारे, और वहीं से ये प्रवेश निकले हुए हैं। मान्यता क्या है वैसे, कहा जाता है, क्या कहानी है इसके पीछे कि ये शिवलिंग मिले तो उसके पीछे की कहानी? शिवलिंग जो है बेल भगवान ने पूरे बेल के पत्थर के बहुत सारे पेड़ थे सारे सारे, ये स्वयं ही शिवलिंग बेल पत्थरों से ही निकले हुए हैं नीचे से, इसीलिए वो निकले हुए हैं। पूरा इतिहास यही है इनका, सब वो आजकल का नहीं है, आप इतना इतिहास पुराना जो है कैसे निकले कैसे मिले ये तो जानकारी किसी को भी नहीं है। ये चारों महादेव है आगरा के, चारों के इतिहास। दूसरे सोमवार पे यहाँ मेला वेला लगता है? हाँ जी, आगरा में चारों महादेव के सबसे बड़ा महादेव मंदिर बलकेश्वर महादेव मंदिर जो है, महाकाल भी कहा जाता है इसको, बलकेश्वर महाकाल आगरा का।